हेलो एवरीवन, आई एम अनुज, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम, लेट्स डू इट टुगेदर। तो आज हम लोग यहाँ पे एसबीआई क्लर्क का एक लाइव मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं टेस्ट बुक पे। और टेस्ट बुक पे अभी बहुत अच्छी सेल चल रही है, क्रिसमस की सेल है, ये ईयर एंड की सेल होती है हमेशा, आपको पता है चीपेस्ट प्राइस होता है। तो अभी आपको चीपेस्ट प्राइस मिल रहा होगा, स्क्रीन के सामने आपको डिटेल्स दिख रही होंगी। 25 से 28 दिसंबर तक की ये सेल चलेगी, जिसमें आपको 10% का ऑफ मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड लगा लोगे। तो मेरा कूपन कोड है अनुज, ठीक है, पूरा फुल नेम है और सब कुछ कैश में है। आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको यहाँ पे ₹314 का पड़ेगा प्रो पास, है ना। तो मुझे लगता है अभी तक का सबसे चीपेस्ट सेल जो है वो यही है। अगर किसी को बाय करना है तो ईयरली वाला पास बाय कर लेना, टेस्ट बुक का पास प्रो। और कहाँ से बाय करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करोगे यहाँ पे आके, और यहाँ बस अप्लाई कूपन पे आपको लिखना है मेरा नाम, ठीक है, सब कुछ कैप्स में होना चाहिए तभी वो अप्लाई होगा ऐसे। और अप्लाई करोगे तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे जो प्राइस है वो अलग दिखाएंगे, क्योंकि ये मेरे पास पहले से ही इनका प्रो पास है, तो मेरे प्राइस अलग है। लेकिन जब आप बाय करोगे तो आपको ₹314 का पड़ जाएगा, जब आप ईयरली पास प्रो बाय करोगे। तो पास प्रो भी बाय करना है, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड री अटेम्प्ट टेस्ट होते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, और लिंक पर क्लिक करोगे डायरेक्ट इस वाले पेज पर खुल जाएगा, और पिन कमेंट में भी मैंने पिन कर दिया है। अब हम लोग मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम अनुज, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम, लेट्स डू इट टुगेदर। तो आज हम लोग यहाँ पे एसबीआई क्लर्क का एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं। फुल लाइव मॉक टेस्ट रहेगा, इसमें आपको रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ देखने को मिलेगा। टारगेट हमारा हमेशा की तरह 80 का रहता है, तो हम लोग इस बार भी ट्राई करेंगे 80 मार्क्स तक का लाने का। ये मेरे कुछ मॉक टेस्ट थे जो मैंने लास्ट टाइम दिए थे, उनकी वीडियो मैंने अपलोड भी कर दी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो चैनल पर जाएंगे तो मिल जाएंगी। अगर आपको लाइव मॉक टेस्ट देखना है तो 23 भी डाल रखा है मैंने, 22 भी डाल रखा है, ठीक। आज 21 की बारी है, 21 डालते हैं, और क्योंकि बाकी सब अनलॉक नहीं है। और जैसा कि मैंने बोला कि रेगुलर एक मॉक टेस्ट तो लगाना चाहिए प्री का, और अगर दो लग जाते तो अच्छी बात है, लेकिन एनालिसिस साथ में करना चाहिए, कहाँ पे गलती करी है, है ना, कहाँ पे इंप्रूवमेंट हो सकता था, कहाँ पे आपने ज़्यादा टाइम ले लिया, कहाँ पे कौन सी अप्रोच गलत हो गई। अगर आपकी स्पीड धीमी है तो इसका मतलब या तो आपकी प्रैक्टिस कम है, या तो आप गलत अप्रोच से जा रहे हो। अप्रोच वैसे सारी गलत नहीं होती हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने के 5 तरीके होते हैं, 5 से भी ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, लेकिन किसी अप्रोच में कम टाइम लगता है, किसी में ज़्यादा टाइम लगता है। अब जैसे आपने देखा होगा कि लोग मिक्सचर और एलिगेशन का ज़्यादा यूज़ करते हैं जब रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें कम टाइम लगता है, लेकिन इसका लॉजिक पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वही चीज़ है, अगर आप लॉजिक के साथ जाओगे तो पकड़ लोगे और कम टाइम में बन जाएगा, मतलब 15 से 20 सेकंड के अंदर बन जाएगा क्वेश्चन, है ना, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट का बोल रहा हूँ। अगर बेसिक से जाओगे तो थोड़ा सा मतलब लेंथी पड़ सकता है। यही चीज़ है जो आपको ओवरकम करनी है, देखना है कि आपको कौन से क्वेश्चन में आप बेसिक लगा सकते हो, कौन से क्वेश्चन में आप मतलब लॉजिक से जा सकते हो। ऐसी रीजनिंग में, रीजनिंग तो फुल लॉजिक से है, वहाँ पे आपका कोई कैलकुलेशन वाला पार्टी नहीं है। तो जितनी आपकी अप्रोच अच्छी होगी, जितना आपका माइंड शार्प रहेगा, मतलब आप आगे का सोच पाओगे, उतना ही जल्दी आप पेपर को कर पाओगे। मेन चीज़ स्पीड होती है, प्री के एग्जाम में स्पीड होती है, एक्यूरेसी तो आपको बनानी पड़ेगी। मेंस में इतनी स्पीड की जरूरत पड़ती नहीं, इसलिए वहाँ पर टाइम होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे किस पे काम करेंगे, अप्रोच पे काम करेंगे, ठीक। अप्रोच आपकी सबसे बेस्ट होनी चाहिए आपके हिसाब से, है ना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के हिसाब से हर किसी की अप्रोच अलग होती है। मैं किसी क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व करता हूँ, आप किसी क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व करते होगे, क्या पता आपको कम टाइम लगता हो, लेकिन हमें ओवरऑल पैकेज देखना है। एक घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, तो 100 तरीके की अप्रोच लगेंगी, है ना। तो कंबाइन जो होता है ना, हमें कंबाइंड मार्क्स लाना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 21, और टेस्ट बुक का मॉक टेस्ट है। अगर आपके पास टेस्ट बुक का प्रो पास नहीं तो आप प्रो पास ले लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, बाकी जानकारी मैं वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। रेडी करते हैं, सॉल्यूशन आपको यहाँ दिख रहा है। अब अप्रोच ये है कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को नहीं करना है, इन क्वेश्चनों को भी नहीं करना है, ठीक है, इन क्वेश्चन को करना है, इन पर टारगेट करना है। सम इंक आर रेड, ओनली फ्यू रेड आर ब्लू, नो ब्लू इज इंक, ठीक है। ऑल ब्लू बींग रेड इज अ पॉसिबिलिटी, यस। Some red is not blue, yes. यह पार्ट कभी ब्लू के अंदर नहीं आएगा, यह पार्ट कभी ब्लू के अंदर नहीं आएगा, तो दोनों सही है, बोथ फॉलो। ऑल ग्रुप आर पीपल, फ्यू पीपल आर पर्सन, तो पर्सन का मैंने PER लिख दिया। Some people आर ग्रुप, यस। Some people आर नॉट पर्सन, यस। यह हिस्सा कभी भी इसके अंदर नहीं आएगा, इसलिए ये बना के रखा है ना, तो बोथ फॉलो। ये क्वेश्चन भी नहीं करना है, अभी पजल नहीं करना है ना, मेन चीज है पजल अभी नहीं करनी है,
अभी हम छोटे छोटे मोटे क्वेश्चनों पे टारगेट करेंगे, वन लाइनर्स हो गए, जैसे ये इसको भी मैं बाद ही में करता हूँ, है ना, आपको पता ही होगा अगर आप वीडियो देखते हुए आ रहे हो, मैं इनको टारगेट करता हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या देखता हूँ, कंक्लूजन देखता हूँ। यहाँ पर मैंने देखा वी से वाई जाना है, तो वी ये रहा, वी से देखो, वी से हम सिर्फ यू जा सकते हैं, ठीक, उसके बाद कहीं जा ही नहीं सकते ना, वाई से एक्स गए, एक्स गए। अब यहाँ पे अगर ये साइन उल्टा होता तो दोनों इधर और लग जाता, यहाँ पे नन ट्रू है, ठीक है। के से एच नहीं जा सकते क्योंकि एच कभी छोटा नहीं होगा, एच बड़ा होगा। आई यहाँ बड़ा है, एम छोटा है, आई देखो यहाँ बड़ा हो सकता है, एम छोटा कभी होगा ही नहीं, तो ये भी नीदर नॉर हो गया, ठीक। दो ही क्वेश्चन है, बाकी सब मुझे लग रहा पजल ही है, यस सारी पजल है। तो हम स्टार्ट कर देते हैं पहले क्वेश्चन से। ये रहा पहला क्वेश्चन, फरवरी और मार्च दे रखा है, फरवरी मार्च जून। यहाँ पे सब चार क्वेश्चन आए थे, आप देख सकते हो, मतलब लेवल आप देख सकते हो कितना, मतलब उसका थोड़ा सा मॉडरेट कह सकता हूँ, प्रीवियस जितने भी मैंने दिए, फेब मई जून और अगस्त, फेब मई जून अगस्त 28 30, ये लिख लिया करो, ये मतलब ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है, मतलब एक टाइप का रूल समझ लो, लिख लोगे तो आपके लिए आसानी रहेगी, क्योंकि इसमें पूछा बोला जाता है ऑड नंबर ईयर, ऑड नंबर मंथ, इवन नंबर मंथ, सबसे कम नंबर मंथ। टू कैंडिडेट हैव बिटवीन एस और पी, क्यू 27 एनी ऑफ द मंथ बिफोर पी, क्यू 27 में जाएगा, क्यू पी से पहले जाएगा, ठीक है, इमिडिएटली बिफोर पी, तो क्यू पी, तीन पॉसिबिलिटी बन सकती है। अभी हम और देख लें, एस एस जो है मई में नहीं जाएगा, तो क्यू क्यू पी दो छोड़ के एस, ये तो कभी होगा ही नहीं, ये कंडीशन कभी आएगी नहीं, तो सिर्फ दो ही कंडीशन बची, दो छोड़ के एस क्यू पी, दो छोड़ के यहाँ पे एस हो सकता है, दो छोड़ के ऊपर भी आ सकता है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं ना, दो कंडीशन लेके बनाते हैं, वी एग्जाम इमिडिएटली आफ्टर एस, वी एग्जाम, दो छोड़ के एस यहाँ हो नहीं सकता, एस यहीं होगा, दो छोड़ के एस यहाँ होगा, वी यहाँ पे होगा, यू एग्जाम इमिडिएटली आफ्टर टी, टी के जस्ट बाद यहाँ पे जगह दिख रही है मुझे, यहाँ पे टी के जस्ट बाद दो जगह है यहाँ पे, अभी देख लेते हैं, बट नॉट इन द सेम मंथ, तो ये इंडिकेट करता है टी यहाँ पे होगा, यू यहाँ पे, यू एग्जाम, डब्ल्यू एग्जाम आफ्टर आर बट नॉट इमिडिएटली आफ्टर, तो डब्ल्यू यहाँ होगा, आर इधर होगा, हमारी ये वाली कंडीशन बन गई है, इसी से आगे जाएंगे। आर का एग्जाम बताना है कौन सी डेट पे है, आर का एग्जाम फरवरी में पड़ रहा है, 9 फरवरी कहाँ है ये रहा। आगे 9th अगस्त वी इमिडिएटली आफ्टर पी, पी के जस्ट बाद कौन सा है, टी एग्जाम है। हाउ मेनी फॉलोइंग ट्रू, वी वी डब्ल्यू नॉट इन द सेम मंथ, एस एग्जाम, एक्स एग्जाम इज आफ्टर डब्ल्यू, एस एग्जाम नहीं, ट्रू बताना हमें, वी 27 जून, वी 27 जून नहीं है, यू 9 जून है। फाइंड आउट द ऑड वन, पी टी यू वी आर, पी टी यू वी आर मतलब टी अलग है, बाकी सब एक ही जगह पे है। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये रह गया, चलो इसको भी कर लेते हैं। क्या बोल रखा है इसने, ऑल पार्टी आर मफिन, फ्यू मफिन आर होम, सम होम इज बटरफ्लाई, सम बटरफ्लाई इज पार्टी, काउंट से ऑल मफिन आर होम इज अ पॉसिबिलिटी, गलत, नीदर नॉर, ठीक है। 8 बॉक्स रखे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो यहीं पे बना देते हैं हम, 8 7 6 5 4 3 2 1। ओनली 2 बॉक्स, एस जस्ट बिलो यू, देयर आर एस और वी, नीदर पी और वी बॉटम ऑफ द स्टैक, देयर आर मैनी अबव बिलो एस, है? तो जब बोल रखा है दे आर आर, जितने ऊपर हैं यू के उतने बिलो हैं एस के, तो यू और एस यहीं पे आएगा, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। यू दो छोड़ के क्यू यहाँ पे हो गया, यू एस दो छोड़ के क्यू यहाँ पे हो गया, और वी मुझे लग रहा है यहाँ पे आएगा, वी और ये वी और पी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे तो बनेगा ही नहीं, तो ये कंडीशन हमारी सही जा रही है, ठीक है। और क्या देख लेते हैं, टी इज नॉट जस्ट बिलो, टी यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। एटमोस्ट 3 बॉक्स आर और डब्ल्यू, वेयर आर अबव,
बॉक्स, तो आर इधर हो गया, डब्ल्यू यहाँ नहीं आएगा, डब्ल्यू यहीं पे आएगा, एटमोस्ट थ्री बोला है, एटमोस्ट थ्री बोला है क्या, एटमोस्ट थ्री बोला है तो डब्ल्यू यहाँ पे आएगा ना, ज्यादा से ज्यादा तीन। और पी और टी का हमें पता नहीं है, पी और वी का नहीं पता हमको, ठीक है। हाउ मेनी बॉक्स बिटवीन पी और वी, पी और वी के बीच में कितने लोग हैं, एक दो तीन, तीन बॉक्स है। पोजिशन हमको पी और वी की नहीं पता है, ठीक है, पी और वी की पोजिशन नहीं बचा, बचा हुआ वर्ड यहाँ पे आएगा पी क्यू, पी पी क्यू, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, पी और वी बच गया कितना, अभी कौन सा रह गया है, कोई सा बॉक्स रह गया, चलो देखते हैं यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ मैं, एस जस्ट ब्लू, एस जस्ट ब्लू यू, देयर आर एस, देयर आर एस और वी के बीच में, एस और वी के बीच में कितने लोग हैं पता नहीं है, दे आर यू के बिलो एस के ऊपर, एटमोस्ट थ्री बॉक्स, आर आर ओ डब्ल्यू, पी क्यू आर एस टी रह गया ना, हाँ टी रह गया, टी यहाँ पे आएगा, क्यू और यू दो छोड़ के, एस और आर दो छोड़ के, सॉरी टी और एस दो छोड़ के, डब्ल्यू और एस, डब्ल्यू आर एस गलत है, टी और वी, टी और वी। अब यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है कि मेरी पजल थोड़ी सी गलत बन चुकी है, चलो इसको ना मार्क पर रिव्यू करके बाद में देखते हैं, इसको भी मैं क्लियर कर दूं जरा, तो क्यू और, क्यू और दो छोड़ के, एस और आर दो छोड़ के, डब्ल्यू और एस, एटमोस्ट थ्री बॉक्स, आर इज प्लेस्ड ऑफ, एक दो तीन, हाँ ठीक है, मेरे हिसाब से एस और डब्ल्यू वाला होना चाहिए, टी और वी, वी तो यार वी का हमें पता नहीं कुछ, देखते हैं है ना, यही होना चाहिए, फॉल्स उतरना है, टी एट द बॉटम ये तो ट्रू है, क्यू इमीडिएटली अबव आर ये भी ट्रू है, तीन परसेंट क्यू और डब्ल्यू, एक दो तीन चार, ये फॉल्स है, टू परसेंट टी और एस, यहाँ ये ट्रू है, चलो ये तो सही है, जस्ट बिलो डब्ल्यू, डब्ल्यू के जस्ट बिलो पी और वी में से हो सकता है, टॉप में कौन रहता है, क्यू रहता है, तो एक में थोड़ा सा डाउट है बस, बाकी सब तो बन ही गए। ये वाला क्वेश्चन कर लिया जाए अभी, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, जब तक लंबा दे रखा होता तो मैं करना प्रेफर करता नहीं हूँ, पहले मैं पजल ही करता हूँ, है ना, सात लोग बैठे हैं, एकदम सेम ऐसे ही सवाल है, लेकिन इसमें सात लोग बैठे हैं, है ना, तो सात छ पाँच चार तीन दो एक, ओनली टू अबव ए, सेम नंबर अबव सी बिलो डी, सी के ऊपर डी के नीचे तो नहीं है, नॉट मोर देन वन पर्सन, एक से ज्यादा नहीं बैठेंगे, एक से ज्यादा नहीं बैठेंगे, सी इधर बैठाता हूँ दो छोड़ के, दो छोड़ के, सी तो इधर आ ही नहीं सकता, सी इधर बैठाता हूँ तीन छोड़ के, एक दो तीन छोड़ के, सी इधर भी नहीं सकता, सी यहीं पे आएगा, डी यहाँ पे आएगा, ए सी यहाँ पे आएगा, डी यहाँ पे आएगा, दो ही पोजिशन बचती है, सी लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच डी लिव्स, है अच्छा नहीं, अच्छा नॉट मोर, एफ थ्री फ्लोर अबव ई, एफ थ्री फ्लोर अबव ई, तो ई और एफ बॉस, एफ टॉप मोस्ट पे नहीं है, तो ई यहीं पे होगा, दो छोड़ के एफ यहाँ होगा, ई एफ यहाँ हो सकता है, दो छोड़ के ई यहाँ हो सकता है, बी इमिडिएटली नॉट इमिडिएटली और सी के आसपास तो बैठा ही नहीं है, बी यहाँ नहीं बैठा है और डी के पास भी नहीं आता, तो बी के लिए दो एक ही जगह बचती है, और ये पॉसिबिलिटी हमारी बन गई, शायद आपको दिख ना रहा हो लेकिन हमारी फसल बन चुकी है, थ्री फ्लोर बिलो मतलब दो छोड़ के जो भी बंदा बैठा है यहाँ पे कौन होगा, कौन हो सकता है, जी भी हो सकता है, जी जी सेवन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बैठा लेना, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप मतलब ए बी सी डी ई एफ, एफ एक ही आ रहा है सिर्फ, एफ अनचेंज, अनचेंज ही पूछे, हाँ सी बिटवीन सी और बी, सी और बी के बीच में एफ ए, एफ ए वन और थ्री, ई लिव्स ई कौन से फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे बैठा है, इमीडिएटली अबव ई ही बैठा है, इमीडिएटली अबव ई बैठा है, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल बैठे हैं फेसिंग नॉर्थ, इसकी पजल बनानी है, इधर ही बना लेते हैं, ठीक है दिख रहा होगा आपको, नीदर कृष्णा और रजत सिट एनी एंड, तो कृष्णा और रजत एक भी एंड पे नहीं बैठे, प्रिया मिडिल पी आ रही, प्रिया मिडिल में बैठी है, ठीक है, महेश सिट एडजेसेंट टू कृष्णा, कृष्णा महेश एडजेसेंट बैठे हैं, रजत
अजस्म तो भार्गव, अरे रजत भार्गव। अब मैं थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो एक दो AMIT अमित। मोर देन 4% से बिटवीन रमेश, रजत और रमेश, रजत मोर देन 4 रमेश, ठीक है। महेश सेट वन ऑफ द एंड ऑफ द रो, महेश, महेश कृष्णा हो जाएगा यहाँ पे, महेश अगर इधर होगा तो महेश कृष्णा। राहुल सिटिंग इमिडिएट राइट ऑफ अमित, RAHUL राहुल। मोर देन 4 बोला ना, एक दो तीन, एक एक दो तीन चार पांच भी हो सकता है, रमेश अब यहाँ पे आ सकता है, या छह भी के बाद भी आ सकता है। सचिन सिट बिटवीन रमेश और अमित, सचिन यहीं पे आएगा, यहीं पे आएगा। प्रिया मिडिल ऑफ द रो है, महेश वन ऑफ द एंड है, रजत। रजत सिट राइट ऑफ रमेश, रजत सिट राइट ऑफ रमेश। अरे क्या कर रहा हूं मैं, रजत रमेश के राइट में बैठा है। एक दो तीन चार पांच छ, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, यहाँ पे दे रखा है आपको। हमें पहली बार तो ऑड नंबर चाहिए, ऑड नंबर 7 है, 9 है, 11 है, 9 बना लिए, तो मैं 9 पे एक बार ट्राई कर लेता हूँ। एक दो तीन चार, प्रिया अगर यहाँ बैठती है, क्योंकि हमको प्रिया को एकदम मिडिल में बैठाना है, इवन मिडिल में नहीं बैठ सकते ना। महेश इधर हो जाएगा तो कृष्णा उधर हो जाएगा, महेश और कृष्णा इधर हो जाएगा। मोर देन 4 बोला है, एक दो तीन चार पांच छ, रजत। एक दो तीन चार, रजत, रजत इधर बैठेगा, रजत। एक दो तीन चार पांच छ, ये तो बन सा नहीं रहा, पता नहीं क्यों। महेश कृष्णा, अगर महेश इधर बैठा देता हूँ, महेश कृष्णा इधर हो जाता है, भार्गव भार, रजत। एक दो तीन चार, रजत इधर हो जाएगा, रजत को। एक दो तीन चार पांच, रमेश के लिए यही पोजीशन बची है, और भार्गव यहाँ पे आ जाएगा, भार्गव। पजल हमारी शायद बन चुकी है, और सचिन सिट बिटवीन रमेश एंड रमित, रमेश एंड रमित के बीच में सचिन बैठा है। एकदम सही, एकदम पजल सही बन गई है। कृष्णा और महेश को अगर मैं इधर ले रहा था ना, तो वही है कि हमको चार लोग चाहिए ना इन दोनों के बीच में, चार से ज्यादा चाहिए, तो बैठ नहीं पा रहे थे। अगर मैं दो और ले आता तो वो भी नहीं बैठ पाते, क्योंकि हमको रजत को उस साइड बैठा लेना था, इसलिए फिर मुझे इधर लेना पड़ा। बन गई, टाइम लग गया लेकिन बन गई। 9 ही लोग बैठे हैं, 13 बोला है ना, तो मतलब सारे लोग बैठे होने चाहिए, एक भी सीट खाली होनी चाहिए, अनसर्टेन में सीटें खाली होती हैं। 4 टू द राइट, 4 टू द राइट ऑफ प्रिया। एक दो तीन महेश, सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ कृष्ण। एक दो तीन चार पांच सचिन, एग्जैक्टली बिटवीन अमित और रजत, रजत और अमित के बीच में एग्जैक्टली कौन, प्रिया बैठी है। फोर्थ टू द राइट, एक दो तीन भार्गव, भार्गव। ओके 5 मिनट बचे हैं अभी भी, लेकिन अभी भी हमारे पास काफी क्वेश्चन बचे हैं। स्क्वायर में बैठे हैं, फोर मिडिल, फोर फोर मिडिल इनसाइड, रेस्ट कॉर्नर फेसिंग आउटसाइड, ठीक है। ओ इज इमीडिएट नेबर ऑफ जे, ओ इज इमीडिएट नेबर ऑफ जे। हु इज सिटिंग वन ऑफ द कॉर्नर, हु सिट वन ऑफ द कॉर्नर। क्यू सिट अपोजिट टू, क्यू सिट अपोजिट, ये पॉसिबिलिटी है। के इज थर्ड टू दी, एक दो एज थर्ड टू दी, पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई तुरंत, पहले दूसरी लाइन में गलत हो गई। हर बार मैं मतलब रिग्रेट करता हूँ इतनी मेहनत करने का, यहाँ पे कम से कम 5 सेकंड वेस्ट गया होगा, और ये बोलने में भी 5 सेकंड और वेस्ट चला गया। ठीक है, पी इज इमिनेट नेबर ऑफ के, पी इज इमिनेट नेबर ऑफ के, पी इज नॉट इमिनेट नेबर ऑफ के, सॉरी पी इधर इधर फिर कहीं पी कहीं भी आ जाए। जे इज नॉट सेटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ पी, पी के सेकंड राइट पे होगा, पी यहीं पे होगा, पी यहाँ पे भी हो सकता है। हु इज इमिनेट नेबर ऑफ एल, हु इज इमिनेट नेबर ऑफ एल, एम इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, सेकंड टू द एल इधर। ओके ओके ओके, बी इज नॉट इमिनेट नेबर ऑफ के,
जे इज नॉट सेकंड पे राइट ऑफ पी इज, हाँ पी यही होगा, एल उधर होगा, एम इधर हो जाएगा, और हमारी पजल जो है बन गई है सेकंड टू राइट ऑफ क्यू, क्योंकि सेकंड राइट में है जो बंदा बचा है एन, के विद रिस्पेक्ट टू एम, के विद रिस्पेक्ट टू एम, सेकंड टू लेफ्ट, सेकंड टू लेफ्ट, सेकंड टू लेफ्ट, ये रहा सिक्स टू राइट ऑफ जे, सिक्स टू राइट ऑफ जे, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच छ, एल जे, जे के एम एम एल, जे के एल एम एल, पी पी अलग दिख रहा है मिडिल में, करेक्ट। क्यू नॉट सिटिंग ऑन अ, क्यू इज नॉट सिटिंग ऑन अ मिडिल टेबल, ये तो फॉल्स है, करेक्ट बताना है हमको, है ना। पी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, पी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, गलत। के और एन नॉट इमीडिएट नेबर, गलत है, एन अपोजिट टू पी, ये करेक्ट है। ठीक है, हमारे सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गए। अब ये वाला हम जिसका डर बना रहे थे उस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दो लोग हैं मिस्ट्री और सृष्टि, ठीक। बोथ ऑफ देम स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम ओ, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन। मिस्ट्री वॉक 10 किलोमीटर फ्रॉम ओ इज साउथ एंड रीच पी। ओ यहां बना लेता हूं मैं 10 किलोमीटर, पी गया है, मिस्ट्री गई है, मिस्ट्री मिस्ट्री एम यहां बना लेता हूं है, और पी फ्रॉम पी ही वॉक 6 किलोमीटर वेस्ट टू क्यू, देन 18 टूवर्ड्स नॉर्थ, 18 टूवर्ड्स नॉर्थ मतलब 10 इधर 8 इधर टू रीच आर, देन सी वॉक 12 ईस्ट, तो 6 और 6 12, मैं ऐसे करके बनाता हूँ, आप देख लो आपकी अप्रोच क्या होती है, ठीक है। ऐसे ये फाइनल डेस्टिनेशन होगी इसकी। सृष्टि वॉक 15 ईस्ट, तो 6 और 9, 6 और 9 15 हो गया, टू रीच एल, एल से अनदर 20 इन साउथ, 10 और 10 साउथ एम, देन सी वॉक 7 टूवर्ड वेस्ट, 7 मतलब यहां से 2 कम, ठीक है, 7, एंड एन इसका फाइनल पोजिशन है, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रेट लाइन में आएगा, ये ऐसे करके 2 का गैप होगा यहाँ पे, अब जो भी पूछा जाएगा हम बता देंगे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन, उन्होंने बाप रे बाप सबसे गंदा यही पूछ लिया, 10 6 18 12 15 20 15 20 7, 15 20 7, ये हो गया 30, 30 और 40 26, 26 ये हो जाएगा हमारा 22, ये बचा कितना हमारा 4 किलोमीटर डिस्टेंस है। यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करा मैंने, मैंने यहीं पे डिस्टेंस नोट कर लिया और कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये भी एक टाइप की अप्रोच हो सकती है, क्योंकि पहले मैं यहीं से सॉल्व करता था, मैं अपना ही बता रहा हूँ, यहीं से सॉल्व करता था पहले मैं। सृष्टि की फाइनल पोजिशन, सृष्टि की फाइनल पोजिशन ये है, सृष्टि की फाइनल पोजिशन ये है, मिस्ट्री की फाइनल पोजिशन के हिसाब से इन सृष्टि की नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट ही दे रखा है यहाँ पे। क्यू विद रिस्पेक्ट टू एल, साउथ साउथ, नन ऑफ दिस होगा, साउथ वेस्ट होना चाहिए आंसर, पर है नहीं यहाँ पे। ओके, 1 मिनट बचा है, मैं ये बनाने का ट्राई करता हूँ। 6 1 14 20, 1 19 20, 9 3, 6 14 20 19, 7 8 9 10 11, 1 तो पेड़ यही दिख रहा है, 15 16 17 18 19 20, 4 10 11 12 13 14, 2 दिख गया मुझे, 2 पे मैं टिक कर देता हूँ पहले मैं, चार पाँच छः सात आठ नौ, 2 पे क्लिक टिक करके मैं सबमिट कर मतलब नेक्स्ट कर देता हूँ। डाउट है थोड़ा सा मुझे इस पे कि 2 से ज्यादा क्या होता है, 2 से ज्यादा ही बन रहे हो, 3 था लेकिन उसमें डाउट बहुत टाइम चला गया है ना, दुगना नहीं आधा, 1 गुना दुगना, ये 33 गलत है, 33 गलत है, 3 4 5 6 ये गलत है, 3 4 5 6 गुना ये गलत है, हाँ 1080 होना चाहिए यहाँ पे, 2 4 6 8 10, 92 गलत है, ये राउंड नंबर सी तो सही आई है, आधा हो रहा है, आधा हो रहा है, ये आधा 130 प्लस 2
आधा 66 66 प्लस 2 30 30 38 -2 38 -2 अच्छा -2 हो रहा है, -2 और +2 हो रहा है, 30 34 सॉरी 34 प्लस 2 18 प्लस 2 22 गलत है। तीन गुना नहीं हो रहा है, डिफरेंस से जाते हैं 10 10 20 16 16 32 34 8 88 यहीं पकड़ पाए, 40 हो रहा है, 40 यहाँ पे, यहाँ पे 80 हो जाए, 40 60 से गलत है। मेल टोटल नंबर ऑफ न्यू एम्प्लॉय बोल रखा है इसने और रेशो दे रखा है मेल और फीमेल का, ठीक है। तो 19 20 हमको लिखनी पड़ेगा, ये डाटा लिखना ही पड़ेगा, इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते बार बार हम, ठीक है। तो मेल और फीमेल का रेशियो है 3:2, 5 5 से जाएगा तो 180 320 260 380 और 400। पांच पांच 36 36 मेल और फीमेल, 5 36 36 3 108 36 दुनी 72 ठीक है। 5 5 का देखा 64 में 64 3 64 2 जाता होता है 128, 64 3 12 कह रही है 3 18 1 192 5 कटेगा इसमें कितना बार में 52 टाइम में है ना, 52 3 2 6 3 5 15 15 3 2 4 0 5 कटेगा कितना 7 और 9 में दुनी हो जाएगा 18 कह रही है 1 158 और 3 गुना हो जाएगा इसका 3 27 3 21 23 ठीक है। दुनी हो जाएगा 12 करिए 1 152 यहाँ हो जाएगा 18 21 यहीं पे टाइम लग गया मुझे, बस देखो 5 80 80 80 ठीक है। किसका बताना है, मेल बताना है, ऑल द मेल बताना है, 1 2 3 4 5 6 7 700 हो गया, 100 हो गया, 56 और 40 हो जाएगा 96 हो गया और 38 हो गया, 4 हो गया लास्ट में, 4 आना चाहिए लास्ट में, 4 मुझे दिख रहा है यहाँ पे ठीक है। कह रही है एक यहाँ पे होना, 3 होना चाहिए, 3 3 3 3 2 3 3 4 होना चाहिए ना, 4 कह रही है एक यहाँ पे या 3 होना चाहिए, 9 9 34 9 34 तो है नहीं, हमें 9 9 24 है, 9 24 के साथ चले जाते हैं हम, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कहीं गलती हो रही है उससे लग रहा है, चलो ठीक है देखता हूँ है ना कहाँ गलती हो रही है, वही पता चली जाएगा। डिफरेंस बिटवीन मेल और फीमेल 2022 का बताना है, 2022 का कहाँ है, 2022 का 5 × 1 576 76 होना चाहिए ना, 76 यार इसका 70 बचा है ना, 306 ही तो हुआ यार, बार बार मैं गलती क्यों कर रहा हूँ इसमें। मेल और फीमेल, मेल 2020 के मेल हो गए 192 और फीमेल ऑफ 2019 की फीमेल हो गई 72। थ्री थ्री सिक्स जा 3 4 जा 3 2 जा 3 4 जा 8 3 8 8 8 3 इसमें टाइम वेस्ट कर दिया मैंने, वैसे मैं बता रहा हूँ अभी भी मैन का यहाँ पे कितना 20 में, मैन का 20 में 192 है, हाउ मच परसेंट मोर देन फीमेल 2023 कितना है 32 है 100 में और 20% 24 मेल 20 24 में नंबर ऑफ टोटल 50
25% मोर देन 2023, 25% मोर मतलब 1/4 से ज्यादा, 500, 500 होगा यहाँ पे। एंड टोटल देन फाइंड द फीमेल ऑफ इतना, अगर 2:3 है, 2:3 है मेल और फीमेल का, 2:3 है यहाँ पे, 5 5 मतलब 300, 300 300 300 300 300 यहाँ पे दिख गया मुझे। ओके मतलब 7 मिनट से 20 ही क्वेश्चन हुए हैं जिसमें एक डीआई थी। बहुत ही गंदी स्पीड है मैं अभी बता रहा हूँ आपको, लेकिन ठीक है। 55 यहाँ पे, 17 पंजे हो गया, 14 हो गया, यहाँ पे हो गया 9, और ये हो जाएगा 25, 25 में से 9 गया, हो जाएगा हमारा कितना कितना हो जाएगा, 4 गया 6 16। स्पीड बढ़ता है ना, 81 हो गया यहाँ पे, 36 हो गया, 81 36 हो जाएगा, 7 हो जाएगा यहाँ पे, 11 11 11 11 11 यहाँ पे हो जाएगा 12 हमारा, 169 169 में 117 गया तो हो जाएगा 252, 727 725 725 725 725 बाय 25, 25 हो जाएगा, 25 5 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
29 होना चाहिए यहाँ पे तो, हाँ 29 होना चाहिए, प्लस यहाँ पे होना चाहिए 81, प्लस होना चाहिए यहाँ पे 11, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 81 हो जाएगा, 10 कही गया 110 और 11 हो जाएगा 121, 121 किसका स्क्वायर है 11 स्क्वायर है। 35, 7, 24, 128 प्लस 64 ये माइनस का है इक्वल टू चार, और ये हो जाएगा हमारा 4 इससे घटा 60, 60 मतलब 108, 108 किसका स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर नहीं है यार, गड़बड़ कर रहा हूँ क्या यहाँ पे, 4, 24 मतलब यहाँ पे 7 दुनी 14 7 21 168 ही होगा, 168 माइनस का है यहाँ पे, यहाँ पे होना चाहिए 96 बाय 2 इक्वल टू 48, 48 मतलब 2 2 4 4 4 यहाँ पे जाएगा 60, 60 में से नहीं बन रहा, नहीं बन रहा यहाँ पे, लेकिन 10 मार्क कर सकता हूँ मैं। चल देखते हैं, 911 8 माइनस 8 904, 12 करिए 2 0 8 0 2 2 0 0 2000 इंटू बारह इंटू 1500, 1500 दो से दो कटा 4 3 3 चौके 16। पचास प्लस 90 5 18 18 तिया 94 125 9 219। वो क्या रहा यार, 229 होगा फिर ना, 229 होगा, 50 एक ज्यादा, एक ज्यादा, सही है सही है सही है, प्रेशर है ये, प्रेशर, इसको प्रेशर कहते हैं ना, परफॉर्मेंस प्रेशर आ रहा है अब। 30 प्लस यहाँ पे 7 माइनस यहाँ पे हो जाएगा, इतना हो जाएगा यार, नहीं 48554 ओके, यहाँ पे तो पूरा पूरा अप्रोक्सीमेट लिखा तो हुआ यार, 5 कर दूंगा यहाँ पे, यहाँ पे 4 कर दूंगा, 4 मतलब पॉइंट, चलो 5 5 बाय 4 ही रखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 37 माइनस 5 बाय 4 डिवाइड बाय 33.98, तो 34 ही कर लो यहाँ पे, 1/2 कर लो यहाँ पे भी, आधा कर लो आधा जोड़ देना यहाँ पे है ना, 34 कितना ही हो जाएगा यहाँ पे, इसको मान लेते हैं हम, अगर 1 मान ले 36 मान लेते हैं इसको, 2 के आसपास आएगा, ये रैंडम गैस है, रैंडम गैस सर्टेन डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट 2 साल पे 5% पे, 5% मतलब 200 का 5%, 5 5 इसका 5%, 1000 ले लो इसका 5, इसका 5% 2.5 की वैल्यू 200 है, हमें 1000 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, जो हो गया 4 4 2 8 8 में जो भी है 8 में ही रहा आंसर।
रेशियो बिटवीन यूजर ऑफ सैमसंग सैमसंग यूजर और यूजर ऑफ वन प्लस 25, यहाँ पे जाएगा आपका 5 6 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5
रेडमी 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 रियलमी 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 35 एंड सम ऑफ मोबाइल यूजर सैमसंग सैमसंग 15 15 15 25 25 हो जाएगा आपका 7 2 5 ये हो जाएगा 2.5 2.5 और 7.5 7.5 मतलब 750। मोबाइल यूजर नोकिया नोकिया मोबाइल यूजर हो गया हमारा इतना परसेंटेज, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल टोटल ऑफ टोटल मोबाइल यूजर रेडमी 100%। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल रहा है, स्पीड गेन करते हैं हम लोग यहाँ पे है ना। एवरेज नंबर ऑफ यूजर बताना है सैमसंग, सैमसंग 25 हो गया और रियलमी 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 और रेडमी में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ कर दोगे। 47.5 डिवाइड बाय 3 सॉरी 3 यहाँ पर 3 लिखता हूँ, 3 बन जा 3 17 35 जा 15 है ना 25 गड़बड़ गड़बड़ तो है भाई। एक बार वापस देख लेता हूँ, सैमसंग हो गया हमारे पास 15, रियलमी हो गया हमारे पास रियलमी। एक तो इन लोगों ने स्पेलिंग इतनी गंदी लग रखी है ना, आप लोग मतलब जूम करके देखना पाओ तो देख लो, रियलमी को रियलमी एम आई लिख दिया है ना। वो तो ठीक है, कितना ही कर लोगे, 37.5 135 राइट आंसर है। मतलब मैं उससे कंफ्यूज तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी गुस्सा ही सा आ गया। एक तो क्वेश्चन नहीं हो रहा था, ऊपर से मोबाइल यूजर सैमसंग 15 फोन डिग्रीज बाय 30% 30% मतलब 7 7 मतलब 105 ठीक। फाइंड 105 एवरेज 923 है, फर्स्ट 5 का एवरेज 22 है, लास्ट 5 9 9 9 9 लास्ट 5 अच्छा यहाँ पे भी एक को लेना पड़ेगा 25 24 ठीक है 9 9 2 18 9 3 27 हो जाएगा 207 120 3 0 और 2 203 में इसमें हटा दोगे क्योंकि एक ज्यादा आ रहा है ना, तो वही हमारा एक्स्ट्रा होगा, तो 23 हमारा एक्स्ट्रा है, 23 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। PQR PQR काम करते हैं अर्न करते हैं, तो PQ ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ये अर्न करते हैं 60,000 अर्न करते हैं ठीक है, इनकी एफिशिएंसी से जाएगा है ना। P और Q 5/8 ऑफ वर्क टुगेदर, पी और क्यू 8 में से 5 काम करते हैं, 5 काम ये करते हैं तो बचा हुआ 3 ये करेगा, ये हो जाएगा 8। हमें निकालना क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर मतलब 3, ये जाएगा हमारा 4 × 4 = 15 ये हो जाएगा हमारा 45 45 का भी आधा कर दोगे 22.5 ये रहा। स्पीड ऑफ बोट 7 किलोमीटर गो 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 72 मिनट 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम मतलब 3 है इसका, ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस इज इक्वल टू 72 कह रहा हूँ, 82 हो गया 60 है ना, 6 × 1 = 6 और हमें बताना है स्पीड ऑफ बोट बताना है ना, यहाँ पे रख के हमें कुछ बताना है। यहाँ पे क्या रखोगे बताओ, मैं तो क्या रखोगे यहाँ पे 13 रखोगे, एकदम करेक्ट आंसर। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, एक्स रख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन दिख रहा है आपको 7/10 लाना है, 7/10 कैसे लाओगे, यहाँ पे 13 रखोगे 7/10 आ जाएगा। मतलब ये इजी क्वेश्चन है, अप्रोच के साथ आप अप्रोच देख सकते, इसी को अप्रोच कहते हैं, बार बार बोल रहा हूँ मैं, मुझसे भी फास्ट अप्रोच हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा मेरी ही फास्ट है, लेकिन वन ऑफ द अप्रोच ये भी है अगर आपने कभी देखी ना हो तो। 44 55 ठीक है, रेशियो बताना है बताओ 4 5 ये तो बहुत ही, चलो अभी मैं बोल लूंगा नहीं, जब मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे तभी बोलूंगा मैं। प्रोडक्ट 5% डिस्काउंट पर सॉल्व हुआ है, सेलिंग प्राइस इतना है, तो सेलिंग प्राइस ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, व्हेन मार्क्ड व्हेन सेलिंग इट ऑन मार्क प्राइस प्रॉफिट परसेंटेज इतना, तो ये हो गया हमारा मार्क प्राइस प्रॉफिट परसेंटेज 112 है, हमें निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस निकालना है ठीक है, तो ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा हमारा 20, ये कटना चाहिए 19 × 6 मतलब 4, ये हो जाएगा हमारा 280 मतलब 112, ये 56 जाएगा, ये 20 56 56 ये 50 हो जाएगा ठीक है,
इसको सॉल्व करना है। सात सात चौके सात अट्ठे, अट्ठे मतलब यहाँ पे हो जाएगा पंजा, पंजा मतलब 250 रुपये। टोटल एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब निकालना है, सिलेंड्रिकल ट्यूब ठीक है, हाइट और रेडियस दे रखी है, हाइट और रेडियस का वो दे रखा है, रेशियो दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, निकल आएगा, निकल आएगा, दोनों यूज करोगे तो निकल आएगा। फॉर्मूला रखोगे ना, हाइट और रेडियस का फॉर्मूला रखोगे उसमें, फिर ये इज इक्वल टू दिस रख देना, मतलब ये ऐसा हो जाएगा 10x, और जो भी इसकी जो भी इसका फॉर्मूला होता है उसमें आर का आएगा, क्योंकि मुझे याद नहीं फॉर्मूला, लेकिन यही होता है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि हाइट चाहिए इसमें और रेडियस चाहिए, बाकी सब कुछ थोड़ा चाहिए। बोथ आर रिक्वायर्ड टू गिव द आंसर। हाउ मच मार्बल राज गेट, अनमोल गेट 130 लेस देन राज, 130 लेस देन राज। अच्छा राज और राम टुगेदर, राम गेट 80 मोर देन राज, मतलब इन दोनों का बीच का भी डिफरेंस 80 है। नहीं नहीं बता पाएंगे, मतलब कितना परफेक्ट किसी के पास कितना है वो नहीं बताएंगे, क्योंकि डिफरेंस ही दे रखा है, डिफरेंस ही दे रखा है, तो हम कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत सारे कॉम्बिनेशन बैठ रहे हैं यहाँ पे ना, नहीं बता सकते। ओके अभी भी 2 मिनट बचे, और हम जो छोटे मोटे क्वेश्चन है वो करने का ट्राई करते हैं। मतलब हो गए क्वेश्चन, हो गए, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हो नहीं पाए, क्योंकि 30 तो काफी अच्छा नंबर है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन तो इजी थे। ए जो ट्रेवल कर रहा है 72 में कर रहा है, क्रॉस बी को कर रहा है वो 18 में कर रहा है, हैविंग लेंथ थ्राइस एस ए, तो ठीक है, ए प्लस 3 ए इजिकल टू कितना, 1 मिनट में कर रहे हैं, बोथ आर ट्रेवलिंग सेम डायरेक्शन, बस सेम डायरेक्शन में देखना है तो माइनस करना है, अपोजिट में प्लस करना है, तो माइनस करा कितना आएगा, माइनस करा कितना आएगा भाई, कितना आएगा, 54 आएगा, 54 आएगा ठीक है, जिसमें 5 बाय 18 करोगे आप, और जिसमें 1 मिनट, मतलब मैं तो इसे 1 मिनट को 60 में लिखूंगा, क्योंकि सब कुछ हम सेकंड में निकालना है, मीटर में निकालना है। तिया जाएगा, तिया हो जाएगा 15, 15 छक्के हो जाएगा 900, 900 हो जाएगा 4, 4 हो जाएगा यहाँ पे 25, 25 हो जाएगा 225, 225 हो जाएगा, हमें क्या निकालना है इसका, बी की लेंथ निकालनी है, 3 से करनी, 3 से 75, 75 तिया 75, 675, 675, 675 ये रहा ठीक है। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ गीता एंड साक्षी 5, 6, 6 ईयर एगो, रेज एज इतना इतना, दो यहाँ पे एक, दो से मल्टीप्लाई करी, दो से मल्टीप्लाई करी, यहाँ पे कितना आएगा डिफरेंस, 2 का आया 3 का आया डिफरेंस, 3 तिरक 27, 3 30, क्या निकालना है हमको, देयर एज आफ्टर 3 ईयर निकालना है 39, 33, रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है, एज निकालनी है, फाइंड एज आफ्टर 3 ईयर, फाइंड एज आफ्टर 3 ईयर प्रेजेंट एज है यार, ये तो है ही नहीं। प्रेजेंट एज इतना है 6 ईयर अगो, 7 और 9 थी है ना, 6 ईयर अगो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 6 है, इन दोनों के नहीं, इसका बीच का डिफरेंस 6 नहीं है, 6 नहीं है, कुछ गड़बड़ हो गई है, 6 नहीं है, 7 और 9, 5 और 6, इनका डिफरेंस 1 है, इनका डिफरेंस 2 है, 2 से मिले लगे तो 10 हो गए, 2 से मिले लगे तो इतना हो गया, ये 3 आ रहा है, 3 और 6, अच्छा 2 से मिले करनी है सर, 2 से मिले करनी, 2 से मिले करनी है, 2 से मिले करनी है, उसमें 3 ऐड करना है, इसमें 3 ऐड करना है, 23, 27, 23, 27 है यहाँ पे। तो कभी कभी ऐसे गलतियां हो जाती हैं, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। 25 सेकंड बचे हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हो पाता है कि नहीं हो पाता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है थ्राइस ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर दे रखा है 4, 4, 4 = 16, 16 मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 48 मीटर स्क्वायर, लेंथ ब्रेथ विच इज, ये हो गया इतना, कितना मल्टीप्लाई करके 48 = 12, 12 को 12 इसका आंसर था, देखो मैं क्लिक नहीं कर पाया, 1 मार्क्स मेरा रह गया, लेकिन 12 आंसर था। चलो ठीक है, ओके, रेजिलिएंट, रेजिलिएंट, रेजिलिएंट का मीनिंग तो भाई नहीं पता, पैसेज पढ़ने, देखो पैसेज पढ़ूंगा तो शायद मे भी आ भी जाए, लेकिन बिना पैसेज के तो मुझसे तो नहीं आ पाएगा यहाँ पे, कम टू अ हेड ये भी नहीं बता पाऊंगा मैं ऐसे बिना पैसेज पढ़े। इम्प्रूव, इम्प्रूव का सिमिलर मीनिंग, मोस्ट सिमिलर मीनिंग टू इम्प्रूव, इम्प्रूव मतलब इम्प्रूव करना, इम्प्रूव
वर्सन वर्सन सिमिलर मीनिंग बताना है ना, वर्सन तो सिमिलर मीनिंग नहीं है, अपोजिट मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे। इम्पेयर पता नहीं क्या होगा भाई, इसका तो बिल्कुल नहीं पता, पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। मिसपेल वर्ल्ड बताना है आपको यहाँ पे, एल ई एन जी टी एच वाई, लेंथ थी यहाँ पे हेंग्री द प्रिंसिपल, टी आर आई एन सी आई पी एल, बी ट्रेटेड ऑफेंडर्स। तो ये मुझे बी गलत लग रहा है क्योंकि लेंथी सही है, यहाँ पे नो एरर का साइन है नहीं कहीं पे, ऑफेंडर की स्पेलिंग भी सही है। प्रिंसिपल यहाँ पे प्रिंसिपल ही आएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल वैसा वाला प्रिंसिपल नहीं आएगा, पी एल पी एल ई वाला नहीं आएगा, पी एल वाले ही आएगा। तो यहाँ पे मुझे ये यही गड़बड़ लग रहा है, बाकी सब सही है। डिफीटेड डिफीटेड भी सही है, क्यूपिडिटी कॉनकरर। एक सेकंड रुकना बस, मम्मी यार घर पे बोल रहे हैं हैं, तब तक तेज तेज चिल्ला रहे हो, बंद कर देंगे बता रहे हैं। ओके एक्सेसिव यार, देखो इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या गलत क्या गलत, क्योंकि इसकी स्पेलिंग मेरी अच्छी है नहीं। लोथ है डेमोक्रेटिक, क्रूसिंग क्रूसिंग भी सही है, लोथ लोथ भी सही है, डेमोक्रेटिक भी सही है, यही गड़बड़ लग रहा है मुझे। ई एथेमा ए आएगा मुझे लग रहा है, ए आएगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग यार, ये क्यों हो रहा है, रिसीडिंग रिसीडिंग रिसीडिंग। इस वाले से आते हैं ना, इस वाले से आते हैं, ये दिखने में सही लग रही है वाली स्पेलिंग मुझे, ठीक है, रिसीडिंग दिखने में सही लग रही है इसलिए इससे आते हैं। और इंट्रीगेम 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 ये वाले सही है, इंट्रीगेम इंट्रीगेम। आई लव टू लर्न मैथमेटिक्स एज आई हैव ऑलवेज बीन गुड विद नंबर्स, आई हैव नहीं आएगा, आई हैड आएगा, आई हैड मतलब पास्ट टेंस में बात करी जा रही है, आई मुझे हैव मतलब कोई चीज है, आई हैव अ कार होता नहीं, आई हैव अ कार, बट आई हैव बीन होता है, आई हैड बीन गुड इन मैथ, मतलब हैव और हैड का मैं डिफरेंस बता रहा हूँ आपको। राम इज टॉलर एंड स्मार्टर, राम इज टॉलर एंड स्मार्टर एंड वाइजर, बॉम्बे टाइप बता रहा हूँ है ना, देन मी इन द होल क्लास एंड आई ऑल्सो काइंड हार्टेड, इन द होल क्लास एंड इज इज ऑल्सो काइंड हार्टेड, देन मी, देन तो सही है यार, कुछ गड़बड़ लग नहीं रही मुझे यहाँ पे। नहीं, मैं छेड़ना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं एक्यूरेसी बनाने के चलना चलना चाहता हूँ। एवरी एक्टर एंड एवरी सिंगर विल डू देयर बिट टू सपोर्ट द आर्टिस्ट फॉर्म, विट देयर, ये देयर गलत है यहाँ पे, टी एच ई आर ई आर वाला आएगा यहाँ पे, देयर नहीं आएगा, देयर वर्क वाला होता है, लेकिन देयर थिंग है ना, देयर बिट, टी एच ई आर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की बात कही जा रही है, सिंगल और पर्सन की बात करी जाती है तो देयर बिट आ जाता है, कि समझ लो अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन विल डू देयर बिट है ना, तब आता देयर बिट ना, तब आता देयर बिट यहाँ पे, लेकिन प्लुरल की बात करी जा रही है। डू वी टुक अ ईयर आउट टू सी द वर्ल्ड एंड ब्रॉड हिज एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, ना ना ना, योर एप्लीकेशन इज बाउंड बाउंड टू फिलिंग इफ यू डोंट गेट द डिविजनल डायरेक्टर अप्रूवल, बाउंड टू फिल आएगा यहाँ पर, बाउंड टू फिल, इफ फिलिंग वाला सेंस यहाँ पर लगा नहीं रहा है, बाउंड टू फिल आएगा, इसे बाद में करेंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली मूव टू डैश द प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम टू द ऑटोमोबाइल सेक्टर, इंक्लूडिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडवांस केमिस्ट्री सेल्स इन एन आ गया, तो मतलब यहाँ पे हमको मतलब वो वाला चाहिए, ये एक तो ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, सबसे वाला दो हमारे तो कट गए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है, एडवांस केमिस्ट्री सेल इज एन इंकरेजिंग मूव बन सकता है, इज एन एप्रोप्रिएट मूव, एप्रोप्रिएट मूव भी बन सकता है, इंटेंसिफाइंग मूव ये नहीं बनेगा है ना, दो मूव तो बन सकते हैं ना। अब देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली मूव टू एक्सटेंसिव द प्रोडक्शन लिंक्ड
एक्सटेंसिव नहीं आएगा, यहाँ पे एक्सटेंड आएगा, एक्सटेंड द प्रोडक्शन लिंक, मूव टू एक्सटेंड द प्रोडक्शन लिंक, है ना। मेंटल फिटनेस इज इंटेंटेड टू बिल्ड इफेक्टिव, इंटेंटेड टू बिल्ड इफेक्टिव अगेंस्ट एवरीडे मेंटल हेल्थ चैलेंज, टू चैलेंज टू प्रिवेंट एन, है ना, चैलेंज टू प्रिवेंट, प्रिवेंट यहाँ पे आ सकता है, प्रिवेंट prevent an escalation of anxiety depression and help them to cope with the escalation of those feeling if they occur, है ना। वो जिम वाली बता रहे हैं ना, मेंटल फिटनेस और इंटेंट टू बिल्ड, अच्छा मेंटल फिटनेस की बता रहे हैं ना, नहीं जिम वाला भी इसी से काफी रिलेट कर सकता है, मेंटल फिटनेस इंटेंट टू बिल्ड रेजिलियंस अगेंस्ट एवरी डे मेंटल, यहाँ पे प्रिवेंट आएगा मुझे यहाँ पे लग रहा है, बाकी सब देखो आगे वाला का मुझे मीनिंग नहीं पता, लेकिन प्रिवेंट काफी अच्छा सेंस निकाला, प्रिवेंट एन एक्सलेशन ऑफ एंग्जाइटी। जनरल रोल ऑफ कमर्शियल बैंक इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल काइंडनेस, तो बिल्कुल नहीं होगा, सजेशन सर्विस, सर्विस होगा, सर्विस टू द जनरल पब्लिक बिजनेसेस एंड इंश्योर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल सस्टेनेबल ग्रोथ टू द इकोनॉमी, एकदम सही है, सर्विस होगा, काइंडनेस कब से पहुंचाने लगा ये लोग, है ना। इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज हैज एक्सप्रेस्ड ग्रेटिट्यूड होगा, ग्रेटिट्यूड द प्लान ऑफ स्मार्ट सिटीज विल कॉज इंक्रीज कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ, एकदम सही सेंस बनाए, इंक्रीज कंस्ट्रक्शन आया, उसका अपोजिट आया यहाँ पर डिस्ट्रक्शन, ऐसे यहाँ पे भी है, रुको एक सेकंड में, एक बार, हैज एक्सप्रेस कंसर्न दैट द प्लान, देखो एक बार ये भी देख लेता हूँ मैं, कंसर्न आएगा मेरे हिसाब से, देखो मैं बताता हूँ क्यों आएगा, कंसर्न आएगा, आ तो ग्रेटिट्यूड भी सकता है, मतलब कोई ऐसा गलत सेंस नहीं निकाला ग्रेटिट्यूड, लेकिन यहाँ पे ग्रेटिट्यूड नहीं आएगा, क्यों, कंसर्न क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडियन इंडियन नेशनल ट्रस्ट एंड आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज की बात करी जा रही है, कल्चर हेरिटेज का मतलब जो चीज़ें प्रिजर्व करी जाती हैं, जैसे हो गया कोई बहुत पुरानी साइट होगी, बहुत पुराना किला हो गया, अब आपको वहाँ पे बिल्डिंग बनानी, कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो उसको गिराना पड़ेगा, है ना, मतलब उसको डिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तो वो क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस, मतलब हमें सब्जेक्ट ये दे रखा है, इसके हिसाब से एक्सप्रेशन उसका क्या है, कंसर्न्ड है ना, दैट प्लान, ग्रेटिट्यूड तब हो सकता था, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आते वो लोग गरीब लोग आते, मतलब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग आते, तो वो होते कि वो एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, है ना, तो इसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से हमारी फीलिंग जो वो हो गई है चेंज, आपको ऐसे मतलब समझना पड़ेगा इंग्लिश को अगर समझना है तो। टॉक्स बिटवीन द गवर्नमेंट एंड 41 प्रोटेस्टर फार्म यूनियन have requested inclusive even after 11th round of discussion होना चाहिए, है ना, remain, हाँ, have remained inclusive, आपको तो पता ही है ना कि जब फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था कितनी सारी मीटिंग हुई थी गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में, लेकिन 11 राउंड के बाद भी कोई भी डिस्कशन हमारा जो है तय नतीजे पे नहीं आया था, मतलब वो लोग अपनी बात पे अड़े रहे हुए थे और गवर्नमेंट वाले उनकी स्कीम ला रहे थे, मतलब कि सॉल्व हो जाए चीजें, सॉल्व हो जाए, लेकिन सॉल्व नहीं हो पाई, एट लास्ट उनको फार्म बिल हटाने पड़े, ये है उसका सही मतलब आ रहा है, थोड़ा बहुत तो हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। सी आस्क्ड मी दैट वेदर आई हैड पोस्टेड द लेटर, सी आस्क्ड मी वेदर आई हैड, वेदर आई हैड होना चाहिए, दैट वेदर नहीं होना, दैट वेदर क्या होता है, दैट वेदर नहीं, वेदर वेदर आई हैड पोस्टेड द लेटर कि नॉट, सी आस्क्ड मी दैट वेदर आई हैड, फाइव ईयर हैव पास्ड सिंस द सी स्टार्ट स्टडिंग इंग्लिश, फाइव ईयर हैव बिन हैपनिंग, नहीं हैपन नहीं, इस ऐसे कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, नो इम्प्रूवमेंट लग रहा है, हैव बिन हैव पास्ड, सी वॉक ग्रेसफुली, सी वॉक्स ग्रेसफुली, सी डज नॉट वॉक द ग्रेस, सी ग्रेसफुली वॉक्स, वॉकिंग विदाउट ग्रेस, सी वॉकिंग विदाउट, एकदम सही है, क्योंकि बाकी सबके मीनिंग नहीं निकले, उससे जो लिखा है वो सही लग रहा है दिखने में, तो लग रहा है यार, चलो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं, अब देखो यहाँ पे मैंने इसको एक बार स्कैन करा तो मुझे क्या दिखे, यहाँ पे डेट्स दिखी हैं, और मैंने आपको कितनी बार बताया जो डेट्स होती हैं ऐसे रीअरेंजमेंट जो डेट्स होती हैं वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाती हैं, मतलब सबसे पहले जो डेट होगी वो सबसे पहले आएगी, मतलब उसके बाद और इंट्रोडक्शन तो होना ही होना है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1960 और 12
97 AD, मतलब आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो भी जीसस का ही है ना, जीसस का आफ्टर डेथ ऑफ बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक, तो हमारा यहाँ पर कंपस की बात करी जा रही है, कंपस का यूज की बात करी जा रही है, कंपस वॉज यूज ठीक है चाइनीज था। ये रहा सबसे पहला हमको यहाँ पे दिख गया है फर्स्ट स्टेटमेंट एफ, यहाँ पे इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट आ गई है कि जो कंपास है वॉज इन्वेंटेड मोर देन 2000 ईयर अगो। मोर देन 2000 मतलब 2000 तो चल ही रहा है ना हमारा, 2000 चल रहा है तो मतलब हमारा बिफोर क्राइस्ट चला जाएगा, 2000 पहले से कंपास का यूज हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, द कंपास वॉज इन्वेंटेड मोर देन 2000 ईयर अगो, द फर्स्ट कंपास वर मेड ऑफ लोडस्टोन, अ नेचुरल मैग्नेटाइज्ड स्टोन ऑफ आयरन इन हैन डायनेस्टी चाइना। डायनेस्टी पता ना, पहले बहुत कम डायनेस्टी होती थी अपनी, क्या कहते हैं यहाँ पे मोहनजोदड़ो वाली जो डायनेस्टी थी, क्या कहते हैं इंडस वाली सिविलाइजेशन, उनमें से एक थी वो, सबसे पुरानी हमारी डायनेस्टी है, और चाइना वाली भी हमारे साथ ही साथ थी, और एक मेसोपोटामिया की है कि पता नहीं कहाँ की, अफ्रीका की है, इजिप्शियन जो डायनेस्टी वहाँ पे थी, बाकी वेस्ट की कोई डायनेस्टी थी ही नहीं, मतलब अमेरिका वगैरह सब खाली ही था, जो कल्चर था हमारा सीधा सिर्फ अफ्रीकन कंट्रीज में था, और अपने यहाँ पे इंडिया में था, और बीच में थोड़ा सा इस्लामिक कंट्रीज था उनमें था, और चाइना में था, बाकी जर्मनी अमेरिका ये सब खाली था, वहाँ पे सिर्फ पेड़ पौधे थे और कुछ नहीं था। आपको पता है ना कि जो इंसान फर्स्ट इंसान का जो जन्म हुआ है एक टाइप से, जब जहाँ इवोल्यूशन जहाँ से हुआ है वो अफ्रीका से हुआ है, अफ्रीका के वो भी उस साइड से, मतलब वेस्ट साइड से जो तट है वहाँ से हुआ है इवोल्यूशन, और वहाँ से इवोल्यूशन करते करते अपने इंडिया में पूरा आया है। ठीक है, अमेरिका में तो हम लोग गए थे सब एक टाइप से, रेड इंडियंस के कहते हैं ना, हम लोग नहीं मतलब सारे लोग जो यहाँ पहले यहीं पे थे, सारी डायनेस्टी यहीं पे आई थी, फिर बाद में बनी जो डायनेस्टी बनी है, तो उनमें से एक ये चाइना वाली डायनेस्टी है। एक बहुत अच्छी स्टोरी लाइन है उनकी, शायद 40 मिनट या एक घंटे की स्टोरी लाइन है, और उनकी स्टडी IQ पे चैनल पे है ना, पढ़ लेना बहुत मस्त है वो, उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया है, पूरा इवोल्यूशन समझाया है कि पहले लिजर्ड मतलब ऐसे हम लोग तट पे थे, तट से फिर मंकी बने, मंकी से हम लोग इंसान कैसे बने, दो पैरों पे चलना कैसे चालू करा वो बताया है उन्होंने। ठीक है, क्योंकि पहले घास बहुत लंबी लंबी होती थी, और जो बंदर होते थे वो चारों पैरों पे चलते थे, चार पैर पे चलने के कारण उनको दूर तक दिखाई नहीं देता था, दूर तक देखने के लिए उन्होंने क्या करा, थोड़ा सा उठना स्टार्ट करा, जब उठना स्टार्ट करा तो उन्होंने देखा कि हम दोनों पैरों पर चल सकते हैं, आगे वाले दोनों का तो काम ही नहीं है, इसलिए उनको हाइट उनको देखना था, इसलिए उन्होंने ऐसा इवॉल्व करा है। मतलब उसको एक बार सुन लेना, काफी अच्छी थी, तभी मुझे याद है ये सब। यहाँ पर डी आएगा, मैं 6 मिनट हो गया, मुझे लग रहा बहुत गंदे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, द कंपास वाज इन्वेंटेड मोर देन 2000 ईयर अगो, द फर्स्ट कंपास वाज 2000 BC, देखो बिफोर क्राइस्ट, और 2000 AD में आ गए। अब AD के बाद मुझे लगता है यहाँ पे बी आना चाहिए, थर्ड बी आएगा, मैं लिख लेता हूँ यहीं पे, नहीं तो भूल जाऊंगा। एफ हो गया, डी हो गया, बी हो गया, उसके बाद क्या आना चाहिए हमारा, क्या फोर्थ आना चाहिए हमारा, डी आ गया यहाँ पे, डी आ गया, फिर लेटर कंपास पर मेड पर आयरन मैग्नेटाइज, अच्छा फोर्थ चेंज होगा ही नहीं, फोर्थ को दे ही रखा है, तो फिफ्थ आएगा हमारा, फिर 2000 AD के बाद आएगा यहाँ पे, 12000 AD के बाद यहाँ पे आएगा ये मैग्नेटाइज नीडल आएगा, है ना, मैग्नेटाइज नीडल आएगा, वर फर्स्ट डिस्क्राइब इन मेडिवल्स यूरोप बाय द इंग्लिश। देखो अब यहाँ पे मेडिवल पता नहीं जो भी है एरा अब आया है, अब जाके आया है ना, हमारा बिफोर क्राइस से चला था इनका, अब जाके AD में आया है, तो सी आएगा फिफ्थ में, सी फिफ्थ में आएगा, सेवेंथ होता ना सी आएगा, फिर आएगा हमारा सी आ गया। ये देखो, दिस वॉज रिप्लेस इन द 20th century बाय द लिक्विड फील्ड मैग्नेटिक कंपास, है ना, ये तो सबसे हमारा लेटेस्ट 20th century मतलब जो चल रहा है हमारा, ना 2000th century चल रही है अभी, 2001 से स्टार्ट हुआ 20th century मतलब। ठीक है, तो ये ई तो है सब, मुझे लग रहा है सबसे लास्ट में आएगा, सी के बाद हमारा आना चाहिए ड्राई कंपास वाला आना चाहिए, ड्राई कंपास बिगेन द अपेयरिंग अराउंड 3000 इन मिडिवल यूरोप एंड द मिडिवल इस्लामिक वर्ल्ड, तो यहाँ पे सेवंथ आएगा हमारा, सिक्स हो जाएगा ई और सेवंथ हो जाएगा एफ, तो सिक्स हो जाएगा ए और सेवंथ हो जाएगा हमारा ई, तो हमारा जो डायग्राम वो बन चुका है रीअरेंजमेंट, FDB4CAE। ठीक है, एकदम सही बना है, और टाइम बिल्कुल नहीं बचा है मैं से पढ़ पाऊं। कम टू द हेड, ये क्या है,
फ्रेज, एक फ्रेज है, हम कम टू दी हेड, यूजिंग योर माइंड टू थिंक अबाउट समथिंग, कम टू दी हेड, टू मूव और टू वर्ड द पर्सन हु स्पीकिंग टू द, नहीं, कम टू दी हेड, ये तो पूरा मतलब फ्रेज का मीनिंग है पूरा, लिटरली उनका मीनिंग बता दिया है ना, कम टू दी हेड का फ्रेज तो मुहावरे टाइप में होते हैं ना, बंदर का जाए ना अदरक का स्वाद, ये थोड़ा ना कि बंदर को अदरक का स्वाद ही चखाने लगोगे, एक टाइप का मुहावरा होता है ये, मतलब वही चीज है, एग्जाम्पल के तौर पर, टू बी प्रोड्यूस बाय सम और फ्रॉम समथिंग, ना ना कम टू, टू बी पर्टिकुलर पोजिशन इन द सीरीज, टू रीच अ पॉइंट ऑफ द क्राइस, टू रीच द पॉइंट ऑफ द क्राइस, कम टू द हेड, ये मुझे लग रहा है, टू रीच द पॉइंट ऑफ द क्राइस, व्हाई देयर इज अ नीड इन इंप्रूवमेंट ऑफ फोरकास्ट मॉडल, फोरकास्ट मॉडल, ठीक है इसको पढ़ लेते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2018 इंडिया हैज प्रोटेस्ट रिपोर्ट अ डेफिशिएंट मानसून, वेयर फ्रॉम जून टू सितंबर दिस ईयर इंडिया रिसीव 282, क्या निकल रहा है, 82 रेनफॉल, नियरली 6.6% लोअर देन द, लोअर देन 93 कंसिडर्ड नॉर्मल, बिगनिंग इन अप्रैल देयर वॉज इनफ इंडिकेशन इंडिकेशन दैट द मानसून वुड बी सब्स्टिट्यूज विद द एल नीनो ऑन द होरिजन, दिस वन ऑफ द सेंट्रल एंड ईस्ट पैसिफिक ओशन यूजली कॉरेस्पॉन्डिंग टू द डिक्लाइन इन रेनफॉल ओवर इंडिया, पर्टिकुलरली द नॉर्थ वेस्ट, द नॉर्थ वेस्ट बिटवीन 2019 एंड 2022, द इंडियन मानसून वॉज सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड बाय द कन्वर्स फिनोमेना, अ कूलिंग एल नानिया दैट समथिंग इज एसोसिएटेड विद अबव नॉर्मल रेनफॉल बाय दोज मेट्रिक, द एक्सपेक्टेशन ऑफ द नॉर्मल मानसून इतना वॉज म्यूटेड, However, the experience of the monsoon this year was far from the ordinary. About 9.9% of the country received excess rainfall, 18% getting deficient, and rest of the country normal rainfall. Normal rainfall. It is less of the monsoon. Several states in the North India exerting minimal rainfall where they are falling multiple instant of heavy rainfall. Chandigarh, Haryana. हिमाचल रिजल्टिंग इन फ्लडेड एंड लैंडस्लाइड, सेवरल सेवरल सिटी वर लेफ्ट ग्रैपलिंग विद सीरियस फ्लडिंग ओवर सेवरल डेज, देखो यहाँ पे इम्प्रूव फोरकास्ट का ही मीनिंग आया ही नहीं है, मैं वही देख रहा हूँ बार बार, ये रहा द पैटर्न ऑफ द रिसेंट ईयर टू इम्प्रूव फोरकास्ट मॉडल दैट आर बेटर टू एबल टू वार्न ऑफ सिग्निफिकेंट चेंज इन वेदर, वार्न सिग्निफिकेंट चेंज, ये रहा टू पे नो टेंशन व्हाई देयर इज नीड टू इम्प्रूवमेंट ऑफ फोरकास्टिंग टू वार्न, हाँ टू वार्न द सिग्निफिकेंट चेंज इन वेदर और वीक, हाँ यही है यही वाला है, इम्प्रूव का नहीं पता हमको यहाँ पे, इम्प्रूव नहीं होगा, according to why there is a need of invest in the most strong infrastructure due to the inefficiency movement of goods and services due to the spiral due to the loss of livelihood exposure in nature hazard like flood and erosion, ye ho sakta hai yahi ho sakta hai kyunki yahan pe flood aur uski baat kari aayi isliye hame strong wo aapko pata hai na abhi yahan pe himachal mein kitni baad aayi thi uska toot phut gaya tha to himachal ki baat hi kari aa rahi hai, himachal why himachal receive episode of intense rain बिकॉज ऑफ वाटर शॉर्टेज, नहीं भाई एज द रेगुलर वेदर पैटर्न इन इंटरप्टेड, मुझे यही लग रहा है एज द वेदर, बिकॉज ऑफ अनयूजल ड्राई वेदर, बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंट्रैक्टेड विद मानसून, ये यार इसका मुझे पढ़ना ही पड़ता, हिमाचल प्रदेश की बात कहीं करी जा रही थी यार अभी, नहीं हो पाएगा, चलो देखते कितने मार्क्स आए हैं, 23 ही हो पाए हैं इसमें, 84 मार्क्स आए हैं, काफी अच्छे मार्क्स आए हैं, और एक्यूरेसी खराब थोड़ी सी खराब हुई है ना, ज्यादा खराब नहीं कहूंगा, थोड़ी सी खराब कहूंगा मैं, रीजनिंग इंग्लिश में मार्क्स काफी अच्छे हैं, इंग्लिश का ही मैं जो डर था लेकिन मैंने वही है कम अटेम्प्ट भी करे थे, ये मेरे मार्क्स हैं आप देख सकते हो, हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे गलती हो गई है, एक गलती यहाँ रीजनिंग में सिर्फ एक ही गलत गया है, वो भी यही क्वेश्चन गलत गया, मुझे लग रहा है इसमें आंसर होगा ये है, व्हाई दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड विद मी,
और क्यू और यू के बीच में दो लोग हैं, ठीक है। अच्छा क्यू अबव यू है बस, है ना, एस बिलो आर है, वाह जी वाह, एस बिलो आर है, टी बिलो एस है, डब्ल्यू बिलो, अच्छा बस क्यू है जो है बस यू से ऊपर है, बाकी सब नीचे हैं, ठीक है। तो एक गलत गया जिसमें मैं मार्क ऑफ रिव्यू कर रहा था ना वैसे वाले क्वेश्चन पे, फिर वही गलत गया है, ठीक है। और वो वाला क्वेश्चन सही गया हमारा, है ना, इसमें दो ही आंसर था। न्यूमेरिक में चलते हैं, दो गलत गए हैं, ओके। एक तो ये गलत गया है जिसमें मैंने तुक्का मारा था, ऑब्वियसली दो नहीं था आंसर, तो आंसर एक होना चाहिए या तीन होना चाहिए, किस पे लगाए, तीन पे लगाए, एक है आंसर, ठीक है, एक है आंसर। और एक ये क्वेश्चन ये गलत गया, 100% यहाँ पे 100% मैंने मार्क करा था, मुझे जहां तक तो याद आ रहा है, मोबाइल, फाइंड द मोबाइल यूजर ऑफ नोकिया, नोकिया 2000 है, इज व्हाट परसेंट ऑफ द रेडमी, रेडमी 25। देखो बस यही गलत गड़बड़ चली गई, मैं रेडमी को यहाँ पे देख लिया क्योंकि मैंने देखा क्या है, रेड और MI सबसे लास्ट में, भाई इनकी गलती मैं कहूंगा मिसप्रिंट, तुम्हारे चक्कर में मेरा एक क्वेश्चन गलत चला गया, नहीं तो इसका आंसर होना चाहिए 20/25 होना चाहिए, 20/25 कितना हो जाता है, 4/5, 4/5 कितना होता है, 80%, 80% होना चाहिए था इसका आंसर। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक मिनट, इसका मेरा एक एक का आंसर निकाला था, उसको मार्क कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे सिर्फ एक ही गलती गई है, बाकी सब सही गए हैं, बाकी सब सही गए हैं। तो ये कुछ ऐसा आज का पेपर था, इंग्लिश का थोड़ा सा मतलब कह सकता हूँ ट्रिकी था, लेकिन हाँ लास्ट के सारे सारे लास्ट के जितने बन रहे थे सब इजी ही थे एकदम, एरर डिटेक्शन सारे ही सही गए हैं शायद मेरे, एक दो छोड़ के, है ना, वो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करे। बाकी न्यूमेरिक में आपको तो दो गलत गए हैं, रीजनिंग में एक, एक्यूरेसी काफी अच्छी थी, ऐसी एक्यूरेसी बना के मेरा प्लान है कि रियल एग्जाम में भी ऐसी एक्यूरेसी रहेगी, और अटेम्प्ट तो मेरे 85 से 90 के बीच में अटेम्प्ट रखने वाला हूँ मैं, कोशिश तो मेरी यही रहेगी, और मार्क्स मेरे 80 से ऊपर आ जाए बस, फिर कट ऑफ में क्लियर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही मॉक टेस्ट आप भी देते रहो, देखना कि आपका भी आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, अप्रोच आपने आपको देखने को मिली मिली होगी आज कि कैसी अप्रोच रखनी है हमको, ठीक है, उस हिसाब से मार्क्स आपको गेन करने हैं, ठीक। तो वीडियो को यहीं पर रखते हैं एंड, और दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। और किसी को अगर प्रो पास लेना हो, अभी बहुत अच्छी चीज सेल चल रही है, सबसे मतलब चीपेस्ट सेल अभी तक की है ये, तो उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, मेरा कूपन कोड अप्लाई कर लेना, अनुज ANUJ अनुज, सब कुछ कैप्स में रहेगा, आपको 10% का एडिशनल ऑफ मिल जाएगा, कोई भी पैक लेते हो तो प्रो पास ले लेना, उसी में सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। वीडियो को एंड करते हैं।